गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेमंत साहू, मोंटू साहू, माइक ऑफ कर दो। अभी माइक ऑफ सर। माइक ऑफ कर दो। माइक चलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल कैसे सब गए आपके? देखिए चलिए इसका सॉल्व हो रहा है आप लोग से। यस सर। स्क्रीन आ रही नहीं आ रहा है? यस सर। क्लियर है स्क्रीन? यस सर। ओके देखिए ये फॉर्मूले आप लोग याद किए जो आपके पास में 10 फॉर्मूले थे यहाँ पे पढ़े इसको। इन सभी फॉर्मूले को आपको पढ़ना पड़ेगा सभी फॉर्मूले को क्योंकि इस पूरे के यूज होने वाले हैं। देखो आगे ये हमारे पास में एग्जांपल नंबर 10। अच्छा ये सब हो गया था क्या? ये कंप्लीट हो चुका था। अब यहां पहुंचे थे इसको कहने वाले थे हम लोग। देखिए find dy upon dx if y is equal to 3x square plus 7x to the power 7। ये तो बन जाएगा क्या? फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है x to the power n फॉर्मूला है। ये हमारे पास ऑपरेटर है d upon dx ऑपरेटर है और x to the power n को हमें डिफ्रेंसिएशन करना था। क्या होता था? x to the power n डिफ्रेंसिएशन करने पर n सामने आ जाता था और x जो है x के पावर में n माइनस 1 हो जाता था। सेम वैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 जो है वो सामने आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? y dy dy by dx इक्वल टू dy dx 3x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 7। तो dy dx
थ्री कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, थ्री एक्स स्क्वायर को अलग कर लिए और यहाँ पे डी बाई डी एक्स और सेवन एक्स टू द पावर सेवन को भी अलग कर लिए। इसके बाद में थ्री को कॉमन निकालेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकाल देंगे उसका ऑपरेटर से। थ्री डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहां से भी सेवन को बाहर निकाल लो तो डी बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर सेवन। अब देखिए एक्स क्यूब है यहाँ पे, अब टू को सामने ला लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, एन जो है पावर जो रहता है सामने आ जाता है, मतलब टू और एक्स के पावर में एक कम हो जाता है, टू माइनस वन प्लस सेवन, यहाँ पे सेवन सामने आ जाएगा और एक्स के पावर में सेवन माइनस वन हो जाएगा, इसको याद रखना है आप लोग को। अच्छा यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, थ्री है यहाँ पे, ठीक है थ्री को लिखना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, थ्री और टू को मल्टीप्लाई करने पर सिक्स मिला और यहाँ पे एक्स के पावर में कम हो गया तो एक्स टू द पावर वन मिला, टू माइनस वन इक्वल टू वन हो गया, प्लस सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन और एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन एक्स टू द पावर सिक्स हो गया, ठीक है। इट मीन्स सिक्स एक्स प्लस फोर्टी नाइन एक्स टू द पावर सिक्स, ठीक है ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। सिक्सटी, अच्छा सिक्सटी फोर लिखे यहाँ पे, ये सिक्सटी फोर नहीं है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सिक्स ही आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके आगे देखो ये हमारे पास दिया हुआ है, एक मिनट इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, ये बन जाएगा यस सर। मैं सीधे एक्सरसाइज में आता हूँ उसको बताता हूँ, ठीक है ये सब आप लोग ट्राई कीजिए, पूरे एग्जांपल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सब आप लोग ट्राई कीजिए एग्जांपल एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है एक्सरसाइज से मैं जितना भी क्वेश्चन होगा सबको मैं क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द सम प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस, ठीक है यहाँ पे सम में दिया हुआ, पूरा एडिशन में दिया हुआ है, एक्स टू द पावर फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे मान सकते हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो d बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर, अब सभी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डी अपॉन डी एक्स को, माइनस वन होगा सर वो, अच्छा माइनस वन है ना, हाँ ठीक, एक्स टू द पावर फोर प्लस डी अपॉन डी एक्स नाइन एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स टू एक्स आ जाएगा प्लस, अच्छा यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है देखिए एक्स टू द पावर फोर है, फोर सामने आ जाएगा, फोर एक्स क्यूब आ गया, ठीक है फोर माइनस वन की वजह से यहाँ फोर माइनस वन कर दे तो क्यूब आ गया, थ्री आ गया प्लस यहाँ पे नाइन कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है टू सामने आके एक्स टू द पावर टू माइनस वन, ये क्या मिलेगा एक्स टू द पावर वन मिलेगा, ठीक है यहाँ पे टू को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाहर निकल गया और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन होता है, ठीक है और यहाँ पे वन है तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्लियर। तो फोर एक्स क्यूब प्लस नाइन इंटू टू एटीन एक्स प्लस टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ये देखिए वाला आंसर जो है 4x क्यूब प्लस 18x प्लस 2 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बन जाएगा ये वाला, सभी को समझ में आ रहा है सर, 9 को कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, जब भी हमारे पास में d by dx है 2x स्क्वायर या फिर d by dx 5x टू द पावर 10 कुछ भी रहे, ये जो नंबर है कांस्टेंट है हमारे लिए, तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर
टेन यहाँ पे आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर फाइव अलग से होगा और उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइव, टेन या फिर कोई भी नंबर होगा, किसी भी नंबर को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो जीरो ही मिलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। 10,000 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी वो जीरो ही मिलेगा, ठीक है, याद रखना। और अगर वो कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ में है तो वो जो नंबर है बाहर आ जाएगा। पहले जैसे डी अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे 10x² + 2 है, तो पहले इस 10 को पहले बाहर कह दो, तो 10 dy dx x² + dy dx दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा इसके लिए डिफ्रेंशिएट करने पर, और 10 बाहर निकल के यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 10 × 2x आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा कंप्लीट इसको रख कर दो ना कि रहने दो, आप लोग सॉल्व कीजिए। वैसे भी आंसर इसमें है, नहीं बनेगा बताना मुझे, इसका आंसर है यहाँ पे सभी का आंसर, कैसे भी करके आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेयर लैम्डा एंड पी आर कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में है वाई, मान लेते हैं इसको लेट y इज इक्वल टू लेमडा एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस 13। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और लेमडा एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस 13। यहाँ पे अब क्या होगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डी वाई डी एक्स लेमडा एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स पी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 13। यहां से लेमडा बाहर आ जाएगा, तो लेमडा को यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लेमडा यहां पे आ गया और पी भी यहां से बाहर आ जाएगा, तो यहां पे आ गया पी, ठीक है। अब देखो लेमडा तो बाहर है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स क्यूब का, तो वो क्या मिलेगा, 3x³ - 1 माइनस पी। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो एक्स राइट वगैरह में रख दिए, प्लस डी बाई डी एक्स, अच्छा 13 है यहाँ पे, कोई नंबर आ गया फिर से, तो नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन या फिर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो लेमडा, अच्छा 3 को हम आप सामने लिख सकते हैं, तो 3 लेमडा और x^2 आ गया माइनस पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 लेमडा x² 1 कहां से आया सर, कहां पे, यहां पे ये डिफरेंशिएट किए यहां पर, x को डिफरेंशिएट करने पर बनाता है, क्योंकि जब x है यहां पे पावर 1 है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 सामने आ गया और x की पावर में 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 × x^0 इट मींस 1 × 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, यहां पे x को डिफरेंशिएट किए थे तो 1 मिला था, ठीक है, 1 × p = p मिल गया, क्लियर है जी सर। हाँ बोलो सर, एक बार और थर्ड स्टेप से बताइए। एक मिनट, यहां से यस वॉइस आ रही, मैं क्लियर आ रही वॉइस, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर है सर। देखो वाई इक्वल टू दिया है, डिफरेंशिएट किए तो हमें इस प्रकार मिल गया यहाँ पे, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, एक स्टेप मैंने हटा दिया था यहाँ पे, इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद में लेफ्ट साइड तो dy by dx है और राइट साइड में हम d अपॉन dx को डिफरेंशिएट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सभी में, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या मिलेगा, d by dx लेमडा x क्यूब
माइनस डीवाई डी एक्स इंटू पी एक्स प्लस डीवाई डी एक्स 13। यहां तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद देखिए, अब जो कांस्टेंट है यहां पर बोला गया कि लेमडा एंड पी आर कांस्टेंट। अगर लेमडा और पी कांस्टेंट है तो मैंने कहा था अभी कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको जो ऑपरेटर है हमारा उससे बाहर निकाल देंगे। तो डी बाई डी एक्स हमारा ऑपरेटर है तो लेमडा को पहले तो बाहर निकाल दो अगर उसके साथ वेरिएबल है तो, ठीक है। अगर लेमडा बस रहता तो उसकी वैल्यू हमें जीरो मिलती, लेकिन लेमडा के साथ में वेरिएबल भी है तो हम लेमडा को पहले बाहर निकाल दिए, तो लेमडा बाहर आ गया। फिर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब बचा माइनस डी, यहाँ पे भी पी कांस्टेंट बोला गया है, देखो पी कांस्टेंट बोला गया है तो यहाँ भी पी को बाहर गए दो, पी डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स है प्लस, अब 13 का डिफरेंशिएशन मतलब कोई नंबर आ गया हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, डायरेक्ट जीरो कह दो। उसके बाद में अब लेमडा है यहाँ पे, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थ्री एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन। फॉर्मूला एक बार याद रख लेना, d बाई डी एक्स एक्स टू दावर n है, x के पावर में n है तो n सामने आ जाएगा और x घात में n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। n x n माइनस वन ये हमारा फॉर्मूला होता है, वैसे 3x 3 माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा माइनस p और यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है प्लस 0। तो देखो 3 को सामने लिख लो, 3 लिमिट आ गया और x की घात में x के पावर में 3 माइनस 1 इट मीन्स एक्स टू दावर 2 आ गया माइनस पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना ही कहना है। अभी क्लियर हुआ? कौन क्वेश्चन किया था? यस सर। ओके, आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे उससे पहले जो एग्जांपल मैं दिया हूं उसको एक बार पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना इसको, इसको पहले नोट कर लेना उसके बाद ही इसको सॉल्व करना, तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखो और ये जो फॉर्मूला है शुरुआत में जो मैंने दिया है इसको अच्छे से आज पढ़ लेना, इस 10 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 में से इसमें सिर्फ कम से कम 5 भी याद कर लिए तब भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इतने फॉर्मूले कम से कम आपके पास होना ही चाहिए, याद होना चाहिए इतना फॉर्मूला। देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन भी सेम है बन जाएगा, इसको बस इतना कहना है, देखो डिफ्रेंशिएट कहते हैं उसको भी, तब क्या होगा डी बाई डी एक्स, हम मान लेते पहले इसको y इज इक्वल टू एक्स टू दावर सेवन, एक्स टू दावर सेवन है प्लस एक्स टू दावर फाइव अपॉन फाइव, यहाँ पे डिवाइड में 7 है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे dy वाई डी एक्स एक्स टू दावर सेवन अपॉन सेवन प्लस dy वाई डी एक्स एक्स टू दावर फाइव अपॉन फाइव माइनस dy वाई डी एक्स एक्स टू दावर थ्री बाई थ्री प्लस dy वाई डी एक्स एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 बाई सेवन कॉमन निकाल लेते हैं, पहले कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिए, 1 बाई सेवन बाहर निकल गया तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दावर सेवन प्लस 1 बाई फाइव बाहर निकल गया, कांस्टेंट है इसलिए डी बाई डी एक्स एक्स टू दावर फाइव माइनस, यहाँ पे 1 बाई थ्री को बाहर निकाल देंगे ऑपरेटर से तो डी बाई डी एक्स और एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 बाई सेवन एक्स टू दावर सेवन डिफरेंशिएट के 7 एक्स टू दावर 6 हो जाएगा, पावर में एक कम हो जाता है 7 जो सामने आ जाता है, 1 बाई फाइव है अब 5 सामने आ जाएगा 5 एक्स टू दावर 4 आ जाएगा फिर माइनस 1 बाई थ्री और यहाँ पे डिफरेंशिएट के एक्स क्यूब को तो 3 सामने आ गया एक्स की पावर में 2 आ गया और प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कट रहे उसको कटा दो, ये दोनों कट गए, यहाँ पे ये दोनों कट गए, यहाँ पे ये दोनों कट गए तो बचा क्या x की पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर।
इसको रख के दो ना, माइक ऑफ कर दो। किसका माइक ऑन है? देखिए ये दिया हुआ है आपके पास में, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स, लेकिन ऐसा वाला कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है, तो हम ले लेंगे x टू द पावर 1 बाई टू हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 1 बाई टू हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x टू द पावर 1 बाई टू माइनस x टू द पावर माइनस 1 बाई टू, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है, शुरुआत से डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले अरेंज करना है इसको, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। तो dy डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy by dx is equal to dy dx x to the power 1 by 2 minus dy dx x to the power minus 1 by 2, 1 by 2 सामने आ गया, x to the power 1 by 2 minus 1 माइनस माइनस वन बाई टू सामने आ गया इसमें, और एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन हो जाएगा, तो वन बाई टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू आ गया, वन बाई टू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू मिलता है, एंड ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, प्लस वन बाई टू, और एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू मिल जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर यहाँ तक ला के छोड़ सकते हैं, अगर और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए जैसे कि 1 बाई टू को कॉमन निकाल लो, 1 बाई टू कॉमन निकल गया, और जो भी कॉमन निकलते कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे रूट में माइनस वन बाई टू दोनों में है, दोनों कॉमन निकल जाएंगे, अगर रूट में अगर एक्स के हाथ में माइनस वन बाई टू दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, वन प्लस x टू द पावर माइनस वन बचेगा, इट मीन्स यहाँ पे वन बाई टू, और यहाँ पे नीचे ले जाए इसको वन अपॉन x टू द पावर वन बाई टू, इसका मतलब कि रूट x आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ पे वन प्लस वन बाई एक्स ये मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक भी आंसर ला सकते हैं, इसके आगे नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, बाकी इसको भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। आंसर वैसे किस में आए हैं देखो, ये आया है वन बाई टू रूट एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स, 1 by 2 root x, 1 plus 1 by x, ये हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को? एक बार और बताओ ना, नीचे सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये वाला स्टेप ऊपर एक और, हाँ ऊपर वाला, हाँ ठीक, इसके बाद ये कैसे आया ना, हाँ देखो वन नहीं ऊपर से और उसके पहले, हाँ चलो बता दो ठीक है। देखो वन बाई टू पावर में है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n, अगर है n x के पावर में n माइनस वन आ जाएगा, मतलब ये जो है सामने आ जाएगा पहले तो, और उसके पावर में एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वन बाई टू पहले सामने आ गया, वन बाई टू सामने लिख लिए, अब इसके बाद में पावर में n माइनस वन, जो n है उसी में माइनस वन लग जाएगा, यहाँ पे वन बाई टू n की जगह पे, तो 1 बाई टू माइनस वन आ गया। अब 1 बाई टू माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस टू अपॉन टू, इट मीन्स माइनस 1 बाई टू आ जाएगा, ठीक है। इसलिए x के पावर में माइनस 1 बाई टू आ गया। इसके बाद माइनस, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला, माइनस 1 बाई टू सामने आ जाएगा, ठीक है। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये एन है, ये एन है, इसको सामने ला दिए, माइनस वन बाई टू सामने आ गया, इसके पावर में माइनस वन बाई टू माइनस वन एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब ये चाहे प्लस में रहे माइनस में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें माइनस वन एक्स्ट्रा एड हो जाएगा। तो देखो माइनस वन बाई टू माइनस वन करने पर हमें मिलता है माइनस वन, और ये टू मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस टू हो जाएगा डिवाइड बाई टू इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू मिल जाएगा, माइनस वन माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री एंड डिवाइड बाई टू, यहाँ पे पावर मिल गया एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अभी इसके बाद में मैंने क्या किया है, देखो मैं थोड़ा सा सॉर्ट कर दिया, इसके बाद में
इस फॉर्मूले को याद रख लेना अच्छे से, इसको रब नहीं करना। x टू द पावर n है तो क्या होता है, x टू द पावर n n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब यहां पे इसके बाद में एक स्टेप क्या आया, ये वाला आ गया। यहां पे कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास में 3/2 है या फिर यहां पे x टू द पावर माइनस वन बाई टू है और माइनस वन है, तो इसमें भी x टू द पावर माइनस वन बाई टू दिख रहा है, तो यहां से भी x टू द पावर माइनस वन बाई टू निकालने के लिए, कॉमन निकालने के लिए हम, जैसे कि हमारे पास में x टू द पावर टू और प्लस थ्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर टू इंटू x टू द पावर थ्री, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर जो है एड हो जाते हैं, देखिए एड हो गए। वैसे ही अगर यहाँ पे जो भी बेस है उसकी पावर में जो प्लस में लिखा है उसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 1 बाई टू है माइनस 1 बाई टू, उसको अलग लिख लिए, माइनस 1 बाई टू को इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 को अलग लिख लिया। इसके बाद में इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई टू, एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई टू कॉमन निकल रहा है, दोनों को कॉमन बाहर निकाल दिए पूरे ब्रैकेट से, और बचा के अंदर में और 1 बाई टू की बाहर निकालिए, 1 बाई टू और इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे तो 1 बचा और इसमें 1 बाई टू और इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा एक्स टू द पावर माइनस 1। तो अब देखो x टू द पावर 1 बाई टू है, x टू द पावर माइनस 1 बाई टू जो है यहाँ पे इस, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 1 बाई टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m होता है, तो वैसे ही 1 अपॉन x टू द पावर 1 बाई टू हो जाएगा। अब 1 बाई टू अगर x टू द पावर 1 बाई टू कहीं भी लगा हुआ है तो क्या होता है, रूट x होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 1 बाई रूट x आ जाएगा, ठीक है। इसका ये x टू द पावर माइनस 1 है, x टू द पावर माइनस 1 है, इसको हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं, इस कारण यहाँ पे 1 अपॉन x आ गया। क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, n x n माइनस 1, तो देखो ये बन जाएगा, इसको आप लोग ना t से डिफरेंशिएट कर लेना। जब t से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू 9 t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आ गया सर आंसर। आंसर आ गया इसका, कितना आया? यस सर 18t माइनस 4, 18t माइनस 4, हाँ ठीक है सेम आएगा, वैसे भी सिंपल दिख रहा है आपको, बस इसको t के साथ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, इसको पहले एक्सपेंड करना है ना, जो फॉर्मूला हमारा a प्लस अच्छा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला है, उससे पहले इसको एक्सपेंड करोगे उसके बाद में सॉल्व करोगे। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये फॉर्मूले से पहले इसको एक्सपेंड करो फिर सॉल्व करके बताओ इसको, बन जाएगा ना।
बन गया सर. कितना है? 12x square. एक मिनट, 12x square माइनस सिक्स एक्स माइनस टू. फिर चेक कर लो एक बार, यहाँ पे इतना ही आएगा. मेरा भी सेम आया सर. सेम है सर. हाँ मुझे कुछ डिफरेंट आएगा ऐसा लग रहा है. एक्स की यहाँ पे 3 आएगा आई थिंक. देख ले आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 का भी सर. उसमें एक माना क्या बोले? देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसका सॉल्व कैसे होता है ये बताइए. देखता हूँ. सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर. a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा. मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे. x स्क्वायर का होल स्क्वायर x टू द पावर 4 हो गया. उसके बाद में प्लस 5 का स्क्वायर कहने पर हमें मिलेगा 25 माइनस 2 इंटू 5 कह दिए तो 10 मिल गया. तो 10x स्क्वायर मिल जाएगा. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? dy by dx सर. मैं फर्स्ट अब बना रहा हूँ तभी आंसर है. इसको बना रहे हैं दोनों? यस सर, फर्स्ट बनाइए. अच्छा ठीक है, चलो आप मैं सेकंड बता रहा हूँ सर. हाँ हाँ, आंसर बता रहा हूँ. सेकंड का आप लोग बना दे वैसे सोच रहा था मैं. ठीक है, सेकंड का बना लोगे? यस सर, बना. ये बन जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ बता देता हूँ मैं इसको. देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4x क्यूब हो जाएगा, सॉर्ट बता रहा हूँ. और यहाँ पे 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 10 into 2x आ जाएगा. x स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 20x ये हमारा आंसर होगा. जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल रहा है. इसके बाद में अगर बनाना है तो 4x कॉमन निकल जाएगा और x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 बच जाएगा. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया है. इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है एंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस एक्स होता है. याद रखना इसको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. तो देखिए यहाँ पे क्या आता है. हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx इक्वल टू dy dx साइन एक्स माइनस dy dx कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स आ गया और माइनस में माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स. तो क्या मिला? कॉस एक्स माइनस की जगह यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस साइन एक्स आ गया. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमारा आंसर हो गया इसमें. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अभी. देखिए याद हो गया ना आप लोग को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है. ठीक है, अब देखो इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. इसको सॉल्व करोगे आप लोग? इसको याद रखना,
ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे जो बोला गया वो कॉन्स्टेंट है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे इसको बनाया सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है? यस सर। हम इसको बना लेते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको सपोज कर लिए y इज इक्वल टू 5 साइन x माइनस 3 साइन अल्फा एंड अल्फा इज सम कांस्टेंट। अब देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, याद रखना अल्फा कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d by dx 5 साइन x माइनस d by dx 3 साइन अल्फा, तो यहां से 5 को बाहर निकाल दो तो 5 dy dx साइन x माइनस, यहां पे किसी भी चीज को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे पूरा पूरा कांस्टेंट है, साइन भी अगर उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा की वैल्यू भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, ये डायरेक्टली हमारे पास में 0 मिलेगा और इसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब देखो यहां पे 5 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो सीधे सीधे कॉस एक्स आ गया, 5 कॉस एक्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से रिजॉइन कीजिएगा आप लोग, क्लास एंड होने वाला है। यहाँ पे लॉग कॉस लॉग एक्स को देख लेते हैं, सर इसके बाद एक और क्लास। हाँ तो अभी तो टाइम है ना हमारे पास में, 3:10 तक टाइम है ना हमारे पास, तो 3 बजे 10 मिनट में इसकी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, फिर ये पूरा मतलब इस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, उसका नेक्स्ट लेक्चर में 7.4 7.5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कल कहाँ थे सब, आज तो अच्छे स्टूडेंट हैं, कल सब गायब थे, घर में काम तो सर दीपावली।